वो रब चाहता है, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आता है, और जिनको चाहते नहीं है वो करीब बैठे कि नहीं मुस्तफीज हो सकते। ये बात है, हुक्म है इलम हासिल करो, चीन तक क्यों जाना था, इस इलम के लिए। वो इलम तो हर मस्जिद में मिल जाता है, वो इस इलम के लिए। अब देखना, आप रोजी की तलाश में हो, पाकिस्तान से यहाँ आ गए, अल्लाह की तलाश के लिए इतना तो कहने गए। अल्लाह के लिए इससे ज्यादा जाना पड़ता है ना, ज्यादा जाते तब तो बात की ना, उसके लिए कहीं नहीं गए। रोजी के लिए आ गए लेकिन अल्लाह के लिए कहीं नहीं गए। सुना भी होगा, फला फलाने का कोई बुजुर्ग है, फला सुना होगा जरूर, लेकिन गए तो नहीं गए। सुना होगा गंगोत्री में है कोई वक्त का बुजुर्ग है, लेकिन गए तो नहीं गए। रोजी के लिए इधर आ गए, इसका मतलब है तुमने रोजी को तरजीह दी, अल्लाह को तरजीह नहीं दी ना। नफ्स का कहता है, कहते हैं ठीक है उधर बुजुर्ग है, लेकिन अगर कसम किस्मत ना हुआ तो ही मिल जाएगा। नहीं कहता ना, किस्मत में तो यही मिल जाएगा, किस्मत में किस्मत में रोजी होती वही पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके लिए यहाँ क्यों आए, उस वक्त भी क्या किस्मत में हुई थी, हम मिले वहां जाने की जरूरत है। किसी ने मखदूम जानिया से पूछा, अगर रिज़्क मकदर में लिख दिया तो घूमे फिरने क्या है, मकदर में जो लिख दिया फिर घूमे फिरने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा वो घूमना फिरना भी मकदर में लिख दिया, वो घूमे फिरेगा तो रोजी मिलेगी वरना नहीं। इसी तरह अगर आपको रब चाह भी रहा है, बहुत ही चाह रहा है, लिख भी दिया आपके लिए कि मेरा दोस्त होगा, साथ ये भी लिख दिया होगा फिर मेरे फलान दोस्त से टकराएगा तो वरना नहीं, क्योंकि वो भी तो उसका दोस्त है, ये भी उसके नाम ठीक है। इसको ले रहा है रब, बड़ा इसके ऊपर खुश है, इसको अपना दोस्त अभी बनाया नहीं लेकिन बनाना चाहता है दोस्त। तो फिर अगर ये उसके दोस्त के पास नहीं जाएगा तो फिर उसको गुस्सा आएगा, मैं इसको दोस्त बनाना चाहता हूँ अपने दोस्त के जरिए, तू उससे चिढ़ता है तो मैं तुझे कैसे दोस्त कबूल करूं, तुझे पहले का दोस्त है मेरे पास। किसी और के पास जाएगा है? किसी और के पास नहीं, जहाँ उसका नसीबा होगा, ये नसीबा लिख दिया जाता है। ये एक यहूदी था, उसने एक हदीस सुनी कि मोमन की फ्रासे से डर वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुमने कहा इन मुसलमानों को आजमाए, नीचे यहूदियों वाला लिबास, ऊपर मुसलमानों वाला लिबास, सब शेखों से जाके मिला। इस हदीस का मकसद क्या है, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, चलता चलता जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास आ गया, हदीस सुबी रहमतुल्लाह के पास पहुंचा। इस हदीस का मतलब बताएं, उन्होंने कहा इस हदीस का मकसद है कि वो यहूदियों वाला लिबास उतार तो मुसलमान होगा। तो मैं तो आपको पहचान गया, आप सही हैं। अब मेरा ये कहा कि जो मुझे सही बताएगा मैं मुसलमान भी रहूंगा, मुसलमान भी होता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिन लोगों से मैं मिल के आया उनको मेरा पता नहीं चल सका, तो क्या सारे झूठे थे? उस वक्त झूठे होते ही नहीं थे, मैं झूठा कोई नहीं था, सिर्फ तेरा नसीबा मेरे पास था, वो तुझे टालते रहे टालते रहे टाल टाल के तू यहाँ तक पहुंच। ये नसीबा भी होता है ना, जहाँ नसीबा होता है वहां से उसको हासिल हो जाता है। तो फिर लोगों में ये होता है ना कि मैं उसके पास गया उसके पास गया, कनाक करके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं भाई, तेरा नसीबा ही शायद उधर ना हो, दून क्या खबर तेरा नसीबा कहाँ है। बात
पता करनी है किसी को कुछ नहीं, किसी ने कोई बात से सवाल कर रहा है कि दुआ है ना अल्लाह करम करे। आपके साथ हैं, तरीका बता देना, लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो क्लब की तालीम है ना, अगर ये जिंदा हो जाए तो सुल्तान साहब से लोगों ने कहा ये क्या करामत है आपकी, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। वो फरमाने लगे मुर्दों को ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते थे इसमें शक नहीं, लेकिन बताओ जिसको जिंदा किया वो कहाँ है। जिसको जिंदा किया उन्हें वो कहाँ है, तो मर गया होगा ना, जो मर गया वरना मौजूद होता नहीं। तो हम जो हजूर पाक के अदना से खा देना ना, लोगों के दिलों को जिंदा कर देते हैं, वो क्यामत तक मरेंगे नहीं। अब बताओ वो बेहतरीन है, बेहतर ये बेहतर है, क्यामत तक मरे या नहीं, वो मर गया बीच में। तो जिनके कलब जिंदा हो जाते हैं ना, वो क्यामत तक मरते नहीं है, वो क्यामत तक अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। बस एक दफा ये जिंदा हो जाए हाँ, किसी तरीके से हो जाए हाँ। अब्दुल्ले शाह ने फरमाया नच के यार मनाना पा रहे, कहीं भी बढ़ना पैदा हो तो किसी तरीके से वो राजी हो जाए। बस जिस तरह अगर राय शरीर है तुम तो रहेंगे उनकी जो उम्र है वो माउंट बैंक कितनी होगी या रूपा कितनी होगी, किसकी माउंट बताया नहीं गया। किसी भी उम्र में जाहिर हो सकते हैं, मैंने जो शहीद उन्होंने अपने किताबों में नहीं, वो ऐसा था मसल अस्करी उनके बेटे थे अरिकमाम लकी तकी, उनका एक बेटा था उसका नाम था मोहम्मद मैदी। वो उस वक्त गायब हो गया था मोहम्मद मैदी, क्योंकि हमला हुआ था उनके ऊपर, वो छुप गए थे, वो दोबारा मिले नहीं। अब शीर का मकसद है कि वो मोहम्मद मैदी वापस आएंगे, लेकिन वो अभी वो गया खत्म कैसे।